वीके न्यूज एमपी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं धनु। मध्य प्रदेश में कट्टरपंथी मानसिकता रखने वाले लोग लगातार समाज का माहौल बिगाड़ने में लगे हुए हैं। पहले उज्जैन में शिवलिंग तोड़ा गया और अब 100 साल पुराने मंदिर में चोरी हो गई। धर्म और आस्था के साथ छेड़छाड़ लगातार की जा रही है। धर्म नगरी उज्जैन में अज्ञात लोगों ने शिवलिंग को ही चोरी कर लिया। दरअसल जिले की बडनगर तहसील के ग्राम माधवपुरा और रुनीजा के बीच 100 वर्ष पुराना नवग्रह मंदिर है, जहां पर सावन माह में हजारों श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर शिवलिंग की पूजा करते हैं। बता दें कि चोरों ने शिवलिंग को उखाड़ा और चोरी कर अपने साथ ले गए। इस मामले की जानकारी मिलते ही विश्व हिंदू परिषद और दूसरे हिंदूवादी संगठनों के साथ ग्रामीणों ने रुनीजा रतलाम मार्ग पे चक्का जाम कर दिया, जिसके साथ रतलाम जाने के रास्ते पर गाड़ियों में की लंबी कतार लग गई, तो वहीं कुछ लोग सड़क पे बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। आपको बता दें कि माहौल बिगड़ता देख क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मौके पे पहुंचे SDM निधि सिंह और CSP रेंज के अधिकारियों ने जाम खुलवाने के लिए लोगों को समझाया, साथ ही 7 दिन में आरोपियों को पकड़ने और शिवलिंग की दोबारा स्थापित करने की आश्वासन भी दिया। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मध्य प्रदेश की तमाम खबर जानने के लिए देखते रहें वीके न्यूज। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।